हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रिया दी ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती थी आप सब ठीक होंगे। सो हम लोग आए हैं भोपाल, तो यहाँ पर हम लोग आए हैं छठ के लिए। एक वीडियो शूट करना था उसके लिए। हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है, बट हमने सोचा कि चलो चलते हैं, वीडियो शूट करते हैं। फर्स्ट टाइम हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, साथ में अपनी जिठानी और जेठ जी को भी दिवा के आए हैं। तो देखते हैं कि कैसे वीडियो शूट हो पाता है। वीडियो लाइव होगा इंस्टाग्राम पे, तो उसका हैंडल डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिएगा। यहाँ पर भी छोटी मोटी क्लिप बिहाइंड द सीन लगा देंगे, तो ज़्यादा बातें ना कर दूँ, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया। चलते हैं फटाक से वीडियो शूट करते हैं। आजा नहीं तो हम कब्डू फुड्डू बना ही देती हूँ। फ्रेंड्स, फाइनली हमारा वीडियो बन गया है। अब हम चल रहे हैं घर, क्योंकि हमने हमारे ससुर जी से प्रॉमिस कर रखा है कि हम टाइम से आ जाएंगे, और आज ही हमें लखनऊ जाना है। तो देखते हैं कैसे क्या हो पाता है। जाना तो है, देखते हैं कितने बजे जा पाते हैं। यहाँ से जाने के बाद डिनर बना के खा के जाते हैं, फिर लखनऊ में पहुँच के डिनर खाते हैं। देखते हैं आज कहाँ पर आना नसीब है। तो धोपाप आए हैं, तो धोपाप में भैया पैर जरूर धुलना चाहिए। धोपाप, हाँ, यानी धोपाप, जो पाप हो यहाँ धुल जाएगा। ऐसे अगर हम जा रहे तो पूरा डूबिन जा। नहीं डूबा जी, नौकरी बिक गया हमार नोखे के। कहाँ कहीं नहान ता जाई नहीं, कहाँ मिले हम कहाँ कसम कसम नहीं नहा नहीं। चला पाप धुल के तहार। हाँ चला, दिमाग भगवान का बुद्धि सब बुद्धि दे, गंगा मैया इनका बुद्धि दे, बस शंकर बुद्धि ठीक रहा। अच्छा पानी लगाई ठंडाई जाए ले चलते ही है, जय बार तहार दिमाग गर्म हो है, धोपा पानी तो कट बोई दिए। ठीक है फिर लेके एकदम भर बुडल छुपा वहीं में। हां गे में भरा और तुम्हें से ढोवाओ। एक कहानी सुने हो, जो सात भाई के एक बहन रही। हाँ भौजाई डोल जी थे। हाँ चल थी नहीं सारी आज करावा थी, देखिए कितना पानी लेके जाए पावा थी। घर पहुँचत पहुँचत कुछ पानी बह जाए ये तुम्हारे से तोड़ दिए बूंग। चलो फिर धोआई उठाई। चलो हलो ऊपर धोई चली। पता है हम भाभी अभी सब वीडियो शूट कर रहे थे, इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए। पहले तो एक के लिए, हाँ वीडियो शूट हो रहा है, बहुत सारे लोग आ गए, शूटिंग हो रही है भाई उनके। अब चले, अब बहुत लेट हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, अब बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे। और इतनी सारी ज्वेलरी पहन के आए हैं, पता चला किसी के मन में लालच आ जाए गला वाला कॉर्ड में। तो हम तो पहने ही हैं, साथ में हमारी जेठानी को भी पहना दिए हैं कि भाई पहन लो तुम भी। चलो हमारा तो ठीक है, भैया कहेंगे कि भाई भैया के चक्कर में मेहरारू चली गई, भैया तो गए मेहरारू चली गई। चलो चलो भाई चलते हैं। हाँ वैसे मानना पड़ेगा भैया, आज मिट्टी पूरा काम करा दी। हाँ तो भाई तू चले, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग आए थे, अभी और भी गिने इतना ही भैया। तो कैसा फील हो रहा है आपको? सबसे ज्यादा पतिदेव मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे हैं। जेठ जी आराम से बैठे थे, जो बिटिया संभाल रहे हैं। ये 42-45 के आसपास में होगी। अरे भाभी चढ़ उतरत कितना है ना। नहीं है। नहीं है।
ज़्यादा थक गए फ्रेंड्स। खार में पानी है कि नहीं है? ठीक है, सबसे पहले हैंड सैनिटाइज करेंगे, पानी पियेंगे, फिर बच्ची को लेंगे। तो फ्रेंड्स हम चल रहे हैं घर, बाय। कहाँ बेचा था वो? ले लो केला, केला ले लो, अनानास ले लो, सेब ले लो। हम तो तंतला था। मिट्टी केला ले लो, केला खाए ला। चुन चुन। आई राम ले। ले दो मत। क्या बच्चा? मिट्टी भी बना देना। सो फ्रेंड्स हम घर आ गए हैं और हमारी जो बिटिया है नेहा, ये हमको साड़ी नहीं चेंज करने दी, भाभी देखो चेंज कर ली, और मुझे बिल्कुल भी नहीं चेंज करने दी। क्यों नहीं चेंज करने दी? क्योंकि मेरी सारी जितनी साड़ियां हैं सब पैक हो चुकी हैं, अब अटैची फिर से खोलनी पड़ेगी तो फिर से सारा कपड़ा बिखर जाएगा, तो कह रही तुम इसी में ठीक हो, रहने दो। तो हम भी चल रहे बनाने चाय, गुड़ी चाय बनाने चल रहे, आज रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड तो हर बार करते हैं बट मेरी रेसिपी गायब हो जाती है, बाद मुझे भाभी बता रही है। बिटिया रानी चिल्ला रही, भाभी बताओ। सबसे पहले पानी, अब चाय पत्ती, भाभी करे चाय पत्ती रच के, ना जो गुड़े चाय है खराब हो जाए, और ये हरी चाय पत्ती है। ये है अदरक, और कब से मैं सोच रही हूँ चीनी क्यों नहीं पड़ रही, अभी याद आई तो गुड़ की चाय। तो अब इसको रख के उबालेंगे, गुड़ एक है तो सबसे पहले, लेकिन खाएंगे नहीं, सब कहते हैं अगर गुड़ निकाल के खा लो तो मीठा कम हो जाता है। गलत बात। हाँ ओ, तो चाय हमारी पक गई है, हम गैस कर देते हैं बंद, कुछ देर रखेंगे इसको ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, इसके बाद छान लेंगे। दूध यहाँ पर निकाल लिया हमने। अब मैं आपको बताती हूँ निमोना बनाना है। तो सबसे पहले हरी मटर लें, उसको छील लें, इसके बाद मिक्सर में उसको अच्छे से पीस लें। यहाँ पर नंदन मिक्सर में पीसने का काम कर रहे हैं। इसमें मसाले बहुत ही कम लगते हैं, जैसे लहसुन, मिर्ची, धनिया पत्ती, हरे लहसुन का पत्ता हो तो भी चलेगा। सो मिक्सर में पीस रहे थे निमोना, बट पावर कट हो गई, तो यहाँ पर भाभी सिलबट्टे पर ले आई जो मसाले पीसने थे उसको पीस रही हैं, और मैं यहाँ पर देखिए चूल्हा अपना जला रही हूँ, क्योंकि हमने सोचा चूल्हे पे जल्दी हो जाएगा, हम लोगों को लखनऊ भी निकलना था। सो फिर मैंने कढ़ाई रखी, कढ़ाई जैसे ही गर्म हुई मैंने तेल डाल दिया, तेल जैसे ही गर्म हुआ इसमें हमने कोहड़ोरी डाल दी। कोहड़ोरी अगर है तो निमोने का स्वाद जान लीजिए, बहुत अच्छा, तब तक पावर कट हो गई, कोहड़ोरी हमने निकाल के रख लिया। अब तेल काफ़ी ज़्यादा गर्म था तो इसमें हम जो हमने मटर पीसे हुए थे ना उसको डाल के अच्छे से भूनेंगे। तब तक हमारी बिटिया रानी लगी ज़ोर ज़ोर से रोने, मुझे जाना पड़ा। तो यहाँ पर भाभी मटर भूज रही हैं, और ये तब तक भूनेंगी ना जब तक जो है भूज रही हैं, गाँव में भूजना बोलते हैं, तो तब तक भुनेंगी जब तक देखिए अलग नहीं हो जाएगा। अभी अलग हो गया अच्छे से ना, देख रहे हैं आप, काफ़ी ज़्यादा देखिए ऐसे हल्का सा फील होने लगता है। तो अब इसमें आलू डाल देना है, इसको भी अच्छे से भुनना है। इसके बाद जो आपने मसाले रेडी किए थे लहसुन, मिर्ची और धनिया पत्ती का, उसको डाल देना है। लोहे की कढ़ाई में बनाइएगा, जब भी निमोना बनाना लोहे की कढ़ाई में बनाना, उसका टेस्ट ये नॉन स्टिक या फिर एल्युमिनियम वाली कढ़ाई नहीं दे सकती। अब इसमें मसाले डाल देने हैं, इसको भी अच्छे से भुनना है, और थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से भुनते रहना है।
निमोना किस किस को पसंद है? ठंडियाँ आ गई हैं तो हमारे यहाँ ना अब अधिकांश निमोना ही बनेगा, क्योंकि हमें निमोना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हमें क्या, हमारी पूरी फैमिली को पसंद है, इवन जो गांव के लोग हैं उनको निमोना पसंद ही होगा। सो बस से देखिए, जब मसाला पक जाए तो आप इसमें डाल दें पानी। मैं यहाँ पर भाभी मग भर के पानी डाल रही हैं, क्योंकि हम लोगों को निमोना बहुत ज़्यादा पसंद है और पतला पसंद है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं। अब इसमें नमक डाल देना है और ढक के कुछ देर पकाएं। इसके बाद खुला करके पकाएं। जो ऊपर देख रहे हो ना वाइट जब हट जाए तो समझ लो आपका निमोना पक गया है। पूरी रेसिपी नहीं रिकॉर्ड हो पाई क्योंकि पावर कट हो गई और बिटिया रानी बीच बीच में रो रही थी, मुझे आना जाना पड़ रहा था। सो फ्रेंड्स, हमारी बेटी ने ना हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करा दी और हम निमोना थोड़ा सा भन के गए थे, रो रही थी और अभी जस्ट चुप करा के आए। मेरे जेठ जी को देखा नहीं जाता कि बिटिया मेरी खेल रही है, हंस रही है मेरे साथ, मुझसे खेलते देखे आए ले लिए। अब देखो कि फिर चिल्लाना शुरू कर दी, जैसे मैं छत पे आ ही रही हूँ। गई तुम्हारी लाइट। मैं कितनी बार छत पे आऊँ जाऊँ, गई सब पैक हो गया है, सब पैक है, कुछ बाहर नहीं है। तो अब लाइट की कोई व्यवस्था कर नहीं सकते हैं हम। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का ब्लॉग। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो मिलेंगे आप सब नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव। वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।